संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते और बहुजन नेता प्रकाश अंबेडकर ने मंगलवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस के विचार आरएसएस से मेल खाते हैं। अंबेडकर के इस बयान से उनकी पार्टी बीबीएम यानी भरीपा बहुजन महासंघ और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन की संभावनाओं पर खतरा मंडरा रहा है। अंबेडकर का बयान ऐसे समय में सामने आया है जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में प्रस्तावित महागठबंधन में बीबीएम को शामिल करना चाहती है। हालांकि अंबेडकर ने कांग्रेस को चिढ़ाते हुए पहले ही असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम के साथ वंचित बहुजन विकास अघाड़ी यानी वीबीवीए बना लिया है। अंबेडकर ने कहा, बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व के खिलाफ कांग्रेस नरम हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही है। नरम हिंदुत्व और मनुवाद पर कांग्रेस और आरएसएस के विचार एक साथ मेल खाते हैं। अंबेडकर ने इसके अलावा बीजेपी में चल रही अंदरूनी कलह को भी सार्वजनिक करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आरएसएस के अगले प्रधानमंत्री होंगे, यानी इस बात से यह साबित हो रहा है कि आरएसएस या उसके करीबी अब मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखना कतई नहीं चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।